हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी डॉट न्यूज और मैं हूं आपका प्रियांक सौरभ। दोस्तों, त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में लोगों के मन में तरह तरह के विचार आती हैं, लोग फास्टिंग करते हैं। इस दौरान फिटनेस को लेकर और अपने स्वास्थ्य को लेकर लोग ज़्यादा चिंता में रहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक स्पेशल गेस्ट जो आपकी इस चिंता को दूर करेंगे और फिटनेस को लेकर हम उनके साथ करेंगे चर्चा। तो दोस्तों, आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं केन फिटनेस इंडिया के ऑनर राजेश कुमार। नमस्कार राजेश जी, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। और आज जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इससे पहले भी दर्शक हमारा भी सभी से इंतजार कर रहे हैं कि जो फिटनेस है, फिटनेस को लेकर जो लोगों के मन में तरह तरह की बातें आती है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपके साथ हमारा ये रहेगा कि फिटनेस को लेकर आज के दौर की समस्या क्या है या वर्तमान में फिटनेस की परिभाषा क्या है? आज की मॉडर्न एरा में है कि लोग फिटनेस को लेकर बहुत अवेयर हैं। उनको पता है कि दिनचर्या, उनका लाइफस्टाइल बहुत गंदी है। अच्छा। खान पान, एक्सरसाइज जाते नहीं है, करते नहीं है, और बहुत सारी मॉडर्न एमिनिटीज ऐसी लाइफ में आ गई है जिसके वजह से वो अपना एक्सरसाइज या डाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, फूड के थ्रू आ रही है, बैड हैबिट की वजह से आ रही है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, सिगरेट खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, समोसे बाहर के जंक फूड खा रहे हैं, उसके बाद लोग मोटे हो जा रहे हैं, कम एज में लोगों के बाल पक जा रहे हैं, हेल्दी हो जा रहे हैं, ओवरवेट हो जा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब इनको कैसे टॉपल अप करना है ये हम लोगों की जिम्मेदारी होती है, खास करके मेरे ऐसे कोचों का जिम्मेदारी होती है कि हम लोगों को बताएं कि आप इन सब चीज़ों से कैसे आप बाहर आ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्षमा करेंगे राजेश जी, हालांकि आप भी एक जिम ट्रेनर हैं, मतलब एक स्वास्थ्य का जानकारी देते तो आपको डॉक्टर कहना की जरूरत नहीं होगी। आप ऐसे भी आप एक डॉक्टर का ही काम कर रहे हैं। तो लोग समझते हैं कि पतला होना या स्वस्थ होना, लोग कुछ होते हैं कि हेल्दी भी हैं अगर वो स्वस्थ हैं या पतले हैं वो स्वस्थ हैं तो खुद को फिट समझते हैं। तो क्या ये उनका जो सोच है ये सही है या हम यह कह सकते हैं कि फिटनेस को हम कैसे मेजरमेंट करें? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं जी कि अगर मैं पतला हूँ तो मैं फिट हूँ, मैं इजीली सब कुछ काम कर सकता हूँ, मुझे कोई, मैं जिम नहीं जाता हूँ और मैं स्वस्थ हूँ, मैं पतला दुबला दिखता हूँ, एवरेज लाइफ जी रहा हूँ, मुझे कोई एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप कोई, आप किसी ऑफिस जा रहे हैं और आपकी अगर ऑफिस का जो फ्लोर है वो थर्ड फ्लोर पर और लिफ्ट ख़राब है और आपको पैदल चलना पड़ा, सीढ़ी चढ़ना पड़ा, तो आप स्वस्थ होते हुए भी फोर्थ फ्लोर तक जाते, थर्ड फ्लोर तक जाते जाते आपकी हालत वैसी हो जाएगी जैसे लगेगा कि आपसे चढ़ा नहीं जा रहा है, आपने क्या बहुत ज़्यादा काम कर लिया, क्योंकि आपके अंदर में आपका एंड्योरेंस लेवल कम है, स्टेमिना नहीं है, फोकस नहीं है, एक्सरसाइज करते नहीं है, तो आपका बॉडी जो है ना पतला दिखता जरूर है, वो फिट नहीं होता है। अंदर से क्या है, बहुत सारी बॉडी की मैकेनिज्म है जो एकदम स्लो और डल हो गई है। तो एक्सरसाइज क्या करता है, उसको इम्प्रूव करते हैं। कुछ लोग अपने आप को मास्कुलर समझते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन वही उनसे 10 मिनट की बैडमिंटन खेलें या क्रिकेट खेलें या फुटबॉल खेलें तो वो एकदम हाफ के गिर जाते हैं, क्योंकि उनका फिटनेस लेवल है नहीं। अगर हम पतले की बात करते हैं या मोटापे की बात करते हैं, हाँ जी, तो एक सवाल लोगों में बहुत ज़्यादा आता है कि वो वजन को लेकर भी फिटनेस को मापते हैं कि भाई इसका वजन इतना है तो वो फिट है या इससे ज़्यादा है तो वो फिट नहीं है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए उसका फिटनेस का फिट मानने के लिए उसके वजन को कितना होना एक सही ढंग से कह सकते कि वो फिट है? देखिए, एक्चुअली आइडियल हाइट के हिसाब से होता है, 5-6 का हाइट, जैसे मैं 5-6 हूँ तो मेरे बॉडी वेट अराउंड 56 और 62 के अराउंड होना चाहिए। अच्छा। 10-15% वेट अप एंड डाउन होती है। अब ये हर कैटेगरी में अलग अलग होती है। अच्छा। आप 6 फुट का बंदा है तो उसको उसका वजन एटलीस्ट होना चाहिए 75 से 80 के अराउंड होना चाहिए, क्योंकि लंबा व्यक्ति है तो उसका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा है, उसका बोन डेंसिटी है, वजन है, उसके वजन साइज के वजह से उसका वजन का भी बढ़ा है। लेकिन उस पर अगर आप ज़्यादा वजन चढ़ा लीजिए, अब अगर 6 फीट का आदमी को 75 या 80 किलो के आसपास होना चाहिए और अगर 90-95 के बाद चला जाता है तो ओवर वेट हो जाता है,
और वही अगर 5-6 के हाइट पे है और अगर उसका वजन होना चाहिए 65 और 56 के अंदर में, और अगर वो 70-75 होता है तो ओवर वेट हो जाता है। तो हर हाइट के हिसाब से एक पर्टिकुलर एक वेट को मापदंड बनाया गया है, जिस अकॉर्डिंगली हम लोग उसको मेजर करते हैं कि उसका एक्चुअल हाइट और वेट कंपेयर करता है, उसी अकॉर्डिंगली हम उसको फिटनेस का स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मानते हैं। राजेश जी, जैसा कि अभी हम लोग वजन की बात करें तो कई बार ऐसे भी मैंने सुना है कि कुछ लोग बताते हैं कि वो पतले होते हैं लेकिन फिर भी उनका वजन अधिक होता है, तो वो बताते हैं कि उनका जो बोन है वो काफी हैवी होता है, तो क्या ऐसा भी कोई मामला होता है? नहीं, एक्चुअली होता है क्या, 3 तरह की बॉडी टाइप होती है जी, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। होती क्या, जो एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो पतली से पतला शरीर होता है, उसका चेस्ट थोड़ा सुकड़ा रहता है, हाथ पैर पतला पतला, मसल कम रहेगा, वो भी 6 फीट का आदमी है समझिए। और एक होता है एंडोमॉर्फ, वो भी 6 फीट का आदमी है, मेल या फीमेल कोई भी है, उसका शरीर का साइज थोड़ा ब्रॉड रहेगा एंडोमॉर्फ का, वो थोड़ा हेल्दी रहेगा, उसकी हाइट ज़्यादा रहेगी। एक्टोमॉर्फ में होता है मेटाबॉलिज्म थोड़ी होती है आपकी, बहुत फास्ट हो जाती है, और एंडोमॉर्फ जो हेल्दी रहता है उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है। इन 3 कैटेगरी में जो मेसोमॉर्फ होता है, बॉडी टाइप होती है, वो सबसे बेस्ट आइडियल होता है। उसके हाइट के अकॉर्डिंगली उसका वजन होता है, उसका बोन डेंसिटी, उसकी लेंथ, चेस्ट का, हाथ का, आर्म का, थाई का एकदम एक्यूरेट होता है। तो होता है जो कुछ लोग होते हैं पतले होते हैं लेकिन उनका हड्डी ऐसा अजीब ढांचा रहता है, तो वो पॉस्चर का गड़बड़ी होती है, पीठ में पॉस्चर, खड़े होने के स्टाइल पर पॉस्चर, उनकी वॉकिंग पॉस्चर, बहुत सारे आजकल तो यंग सब बच्चों को देखिएगा जींस नीचे जो लाके पहनते हैं, टेढ़ा होकर चलते हैं, बहुत बच्चों लोग के पीठ पे बैग आ गए, बैग में काफ़ी बुक्स पड़े हुए, पीठ ऐसे टेढ़ा हो गया, उस अकॉर्डिंगली वो हो जाते हैं, तो उनका पॉस्चर बिगड़ जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में होता है, ये 1 करोड़ में 10 या 5 लोगों में ही ऐसा समस्या आता है, आम लोगों में ऐसा ज़्यादा नहीं पाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ किन फिटनेस इंडिया के ऑनर राजेश कुमार जुड़े हैं और फिटनेस को लेकर हम उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान आप भी अपने फिटनेस से लेकर जो संबंधित प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं, राजेश जी आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब देंगे। तो राजेश जी, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे गरिमा तिवारी जी क्वेश्चन पूछ रही हैं, इज द मिक्सचर ऑफ नींबू, पानी एंड हनी आर इफेक्टिव टू लॉस वेट, इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ दिस मिक्सचर, प्लीज सजेस्ट अदर टिप्स टू लॉस वेट एट होम। देखिए, ये एक जनरल मिथ है लोगों में कि नींबू पानी, सुसुम पानी, जीरा या दालचीनी पानी पीने से घरेलू उपचार के तौर पर, लेकिन ये होता क्या है कि बेसिकली अब हम लोग जैसे जिम में इन्वॉल्व होते हैं तो जिम में हम लोग इसको नींबू पानी के साथ साथ, हम लोग लीफ वॉर्म वाटर के साथ साथ, हम लोग एप्पल साइडर विनीगर भी इस्तेमाल करते हैं, वो सेव का सिरका होता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पिंच भर हम लोग पानी में हल्का ल्यूक वॉर्म वाटर में यूज़ करते हैं। तो आप नींबू पानी यूज़ करते हैं, कोई इशू नहीं है, वो मेटाबॉलिज्म को अटैक करता है। खाली पेट आप लेते हैं तो ध्यान रखना है कि ये पी के सीधा आप एक्सरसाइज नहीं करें। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा कुछ भी आप 45 मिनट पहले कुछ, या आप ड्राई फ्रूट्स खा लें या आधा एप्पल खा लें या कुछ खा के ही करें एक्सरसाइज, तब ये आपको क्या करता है, एक्सरसाइज कैलोरी बर्न में ये आपको एडवांटेज होता है। आप नींबू में गर्म पानी भी ले सकते हैं, आप उसके साथ में आप दालचीनी भी मिला सकते हैं, और उसके साथ अगर आप वो सब नहीं मिला सकते हैं तो आप सुसुम पानी में एप्पल साइडर विनीगर मिला के भी यूज़ करें, वो आपके फैट लॉस में बहुत अच्छा काम। राजेश जी, जो अभी नींबू पानी का जो बात आ रही है, तो नींबू पानी के मामले में कई बार युवाओं में एक भ्रांति फैल जाती है कि इसको लेके उनका जो कह सकते हैं कि कई तरह की साइड इफेक्ट के बारे में वो सोच लेते हैं, जिससे उनका भविष्य के बारे में सोचते हैं कि वो गलत हो जाएगा, तो क्या ये सच में ऐसा होता है, इस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं? देखिए, एक्चुअली होता क्या है, नींबू पानी में होता है सी का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, तो एक्चुअली करते हैं कि हम लोग जब उसको हम सुसुम पानी में यूज़ करते हैं, और हम बिहारियों में नॉर्मली और इंडियंस में बिहारियों में आदत है कि नींबू का खाने में किसी न किसी रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, सलाद में इस्तेमाल करेंगे या खाने किसी और माध्यम से इस्तेमाल करते ही करते हैं, तो वो शरीर में आपका जाके विटामिन सी है जो आपके टी सेल को स्ट्रांग करता है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, आपका मेटाबॉलिज्म अटैक करता है, तो ये एक दिनचर्या है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। आप इसको ले रहे हैं तो इसका ओवर नहीं कीजिए, किसी भी चीज़ का ओवर डू मत कीजिए, एक लिमिट में लीजिए और एक एक्सपर्ट लोगों के टच में रहिए, कितना क्वांटिटी ले रहे हैं नहीं ले रहे तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। जैसा कि आप अभी बिहार की जिक्र कर रहे थे, बिहार के बारे में बता रहे थे, तो बिहार के लेकर और जैसा कि हम लोग चर्चा करें फिटनेस के लेकर, तो बिहार में लोगों, बिहार के लोगों में फिटनेस को लेकर क्या मानसिकता है?
देखिए ऐसा कि मैं भी बिहारी ही हूँ जी बिल्कुल, और छपरा का ही रहने वाला हूँ, तो है कि बिहार में जो पहले 5-10 साल पहले का जो एक एक्सरसाइज और ये सब को लेके भ्रांति थी कि पटना में ही कुछ जिम थी जिसमें बड़े ब्रांड जिम थे उसमें वो लोग जाते थे। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार के हर गांव में, हर गांव नहीं बोल सकता मैं, गांव के छोटे बाजारों मार्केटों में छोटे मोटे जिम हैं, करते थे लोग, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोग कर्मठ है, कृषक हैं, हर तरह के लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, अपना सारा काम खुद करते हैं, खेत से बागवानी से लेके, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे बिल्डर हो, वकील, सबकी अपनी घर पे जमीन जायदाद है, लोग जाते हैं और वहाँ कुछ शारीरिक परिश्रम करते हैं। तो होता क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बिहार के लोग कंपेयरिंग टू अदर स्टेट के बारे में, तो यहाँ पे फिटनेस को लेके क्रेज कब बढ़ा, जैसे लोग अब देखिए काफ़ी लोगों का प्लान हो गया है शहर की ओर, नौकरियाँ गाँव में है नहीं, शहर आ जाते हैं, काम करते हैं, काम करके सीधा घर जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, आप उल्टा पुल्टा खाना खाते हैं, आपके बॉडी में फैट कंपोजिट बढ़ने लगता है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए लोग आजकल जिम और व्यायाम, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास खुला मैदान है, आपके पास छोटा पार्क है, आप 2-4 एक्सरसाइज ही जानते हैं, वही जाके आप अगर रेगुलर करते हैं, मॉर्निंग वॉक ही करते हैं, स्किपिंग ही करते हैं, तो भी आप अपने आप को फिट रह सकते हैं। और पटना में खास करके बिहार में, पूरा बिहार में फिटनेस को लेकर बहुत क्रेज है, लोग बहुत इंप्रेस हैं और चाहते हैं कि हम फिट रहें, फिट रहने से आप खुद भी फिट रहिएगा और आपका जो सोच और जो आउटपुट आपका जो डिलीवर होगा वो 100% फिट ही होता है। राजेश जी, जैसा कि आजकल नॉर्मली हम से देखते हैं लग्जरी बीमारी, इसका जिक्र बहुत होता है, विभिन्न तरह की बीमारियों को लोग लेके चलते हैं, लग्जरी बीमारी की बात करते हैं और इसको लेके लोग फिटनेस को भी मापते हैं, तो भाई लग्जरी बीमारी हो गई है आपको, मतलब अब उस बीमारियों के माध्यम से आप बताएं हमें कि जो फिटनेस को मापते हैं कि अगर ये हो गया तो आप फिट नहीं हैं, ये अगर ठीक हो जाएगा तो ही आप फिट हो सकते हैं, कई तरह की बात होती है, बस इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए ये लग्जरी बीमारी ये तो हमारी खुद की सोच है, हम लोगों ने खुद ये इसको डेवलप किया यहाँ पे, जानते हैं कि लोग, हम लोग बताते हैं, डेवलप हमने नहीं किया, डेवलप तो लोग कर लिए उसको। अच्छा। लग्जरी जैसे वर्ड ही इस्तेमाल किया गया है कि आसान जिंदगी का बीमारी। अच्छा। आसान जिंदगी बीमारी, पहले लोग कपड़े धोते थे, वॉशिंग मशीन थी नहीं, घर झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, सीढ़ी होते थे, लिफ्ट था नहीं, अब क्या लोग चलना फिरना कम कर दिए, सारी चीज बिस्तर पे, बेड पे, सोफा पे आने लगी है। सबसे पहला लग्जरी बीमारी आपका है, आपको शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, पानी कम पीते हैं, जंक फूड खाते हैं, खाली कोल्ड ड्रिंक पे रहते हैं। दूसरा ओबीज में हो जाते हैं, वजन बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने से आपका जो बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, वो 30 के पार चला जाता है। आपका फैट कंपोजिट जो बॉडी का है वो तो बढ़ रही है, वो बढ़ी रही है, उसके साथ आपकी आँख पे चश्मा लग जाता है, आप गाँव के लोगों को देखिए चश्मा नहीं पहनते हैं, यहाँ के शहर के बच्चे लोग चश्मा पहनने लगे, विटामिन के का इंटेक नहीं हो रहा है, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, एकदम बॉडी को टेढ़ा करके सामने बैठ खड़े रहते हैं, टेढ़ा कुबड़ा करके, पॉस्चर का समस्या आ जाता है, लिगामेंट में प्रॉब्लम है, नी का प्रॉब्लम है, कमर में पेन है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, आँख आँख के नीचे काला डार्क सर्कल बन जाता है, और कुछ भी अच्छा बात बोलिएगा तो नेगेटिव बात आप गुस्सा से बोलते हैं क्योंकि एग्रेशन बढ़ रहा है, आप फिट नहीं, चिड़चिड़ापन, तो ये सारी चीज़ है, ये लग्जरी चीज से हम लोगों ने पैदा किया है, ये हमारे पास, हम लोगों ने खुद परचेस किया है। तो जैसा कि राजेश जी बताएं लग्जरी बीमारी क्या है, दरअसल आप जानते होंगे हम बिहारी हैं और बिहार में इसे राजशाही रोग के तौर पर भी जानते हैं, जो मतलब नॉर्मली हमारे जीवन शैली से उत्पन्न होते हैं और जो किसी कोई गंभीर समस्या तो नहीं होती है, लेकिन यह सिर्फ हमारे रहन सहन खान पान की वजह से शुरू होती है। तो राजेश जी अगला सवाल पे हम चलते हैं, देखते हैं कि व्यायाम, फिटनेस, खेल, इन 3 शब्दों को हम एक साथ कैसे ला सकते हैं, क्योंकि जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई खिलाड़ी खेलता है साथ साथ उसको एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, जबकि गांव में अभी भी कहावत है कि खेलोगे तभी ऐसे फिट रहोगे, मतलब बच्चों को मिट्टी में खेलने देना चाहिए ताकि वो फिट रहता है, तो फिर क्या ये तीनों एक साथ आ सकता है, खेल, व्यायाम और डेफिनेटली आता है जी। पहले था क्योंकि खिलाड़ी लोग हुआ करते थे, अब 80 के दशक में चली जाइए, 70 के दशक में खिलाड़ियों का इम्प्रूवमेंट, उनकी स्पोर्ट्स का लेवल
उतना कॉम्पिटिटिव नहीं हुआ करता था और वो लोग इतने फिट नहीं हुआ करते थे क्योंकि अवेयरनेस उतनी फिटनेस को लेके नहीं था। जो मसल बना लेंगे, लोहे उठाएंगे, डंबल बड़ा मसल हो जाएगा तो हम खेल नहीं पाएंगे। आज आप चाहे फौज में चले जाइए, चाहे क्रिकेट में चले जाइए, चाहे आप किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाइए, कबड्डी किसी भी गेम में चले जाइए, आपका स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप कितने देर तक फील्ड पे तरोताजा रहते हैं, इंड्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, आप इंजरी कैरी नहीं कर रहे हैं, ये सब तभी होगा जब आप किसी तरह से किसी रूप से अपने आप को किसी एक्सरसाइज से इन्वॉल्व रखेंगे ताकि आपका मसल रिकवरी भी रहेगा, स्ट्रेंथ भी रहेगा, आपके इंड्योरेंस बड़ा रहेगा, स्टेमिना रहेगा ताकि आप स्पोर्ट्स को इजीली परफॉर्म कर ले। आज का युवा वर्ग जो है क्रिकेट खेल रहा है चाहे फुटबॉल खेल रहा है, उसके पहले वो लोग अपने फिटनेस लेवल का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर करते हैं। तो फिटनेस लेवल का स्टैंडर्ड खाली क्रिकेट के बैट और बॉल करने से नहीं होता, उसके बाहर की बहुत सारी फिटनेस एक्सरसाइजेज होती हैं जो उनके कोचेज, उनके मास्टर कोचेज उनको ट्रेन करते हैं। हर फील्ड में आजकल एक्सरसाइज इन्वॉल्व है। अब आप आर्मी में ही जाना चाह रहे हैं, आर्मी में भी आप चाहे खाली डिप्यूट नहीं हो जाते हैं, उनके बाद भी उनकी शेड्यूल होती है, पीटी होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, क्योंकि लोग वहाँ उतना बड़ा पेट लेके आप बॉर्डर पे गल लेके खड़े हैं तो आपको लगता है कि आप किसी को दौड़ा के कुछ कर पाएंगे, खाली खड़े होकर बंदूक चला पाएंगे। तो फिटनेस तो खेल, फिटनेस सब चीज़ एक ही माला में पुरोया हुआ चीज़ है, तो उसको आप अलग नहीं आंक सकते, एक साथ ही मिला हुआ है। अच्छा, जैसा कि हम लोग कुछ देर पहले वजन की बात कर रहे थे, वजन बढ़ने की समस्या पर बात कर रहे थे, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारे साथ केन फिटनेस इंडिया के डायरेक्टर ऑनर क्षमा चाहेंगे राजेश कुमार जुड़े हुए हैं। इस दौरान आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, सीधा सीधा फिटनेस से संबंधित किसी भी तरह के सवाल का जवाब हमारे बीच मौजूद हमारे स्पेशल गेस्ट राजेश जी देंगे। तो राजेश जी, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे वजन बढ़ने की बात, फिर हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे जिसमें हम लोग उन्होंने चर्चा विभिन्न मुद्दों पर की, तो ये जो वजन की जो समस्या होती है ये तो एक आम बात हो गई, इसका उपाय जो है वो नॉर्मली तौर पे जो किया जा सकता है इसका क्या उपाय है? देखिए, वजन बढ़ना लाइफस्टाइल पे है जी, आपका खान पान ठीक नहीं है जी, आपका रहन सहन ठीक नहीं, फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं है जी। हम लोग आज के दौर में क्या है कि हम लोग ज़्यादातर लोग कॉम्पिटिशन में, एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ ने इंडिया के लोगों के बारे में कहा कि हम लोग बच्चे या अपने बच्चों को ट्रेन ही करते हैं नौकरी करने के लिए। अच्छा, नौकरी पाने के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखते हैं, खान पान गलत खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं जी, आपके बॉडी में मिनरल्स नहीं जा रहे, आपके बॉडी में पोटेशियम मैग्नीशियम नहीं जा रही, आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं जा रही, फाइबर नहीं जा रहे हैं। हम लोग फाइबर के रूप में क्या करते हैं, जूस पीना पसंद करते हैं, जूस पीजिएगा आपके बॉडी में फाइबर जाएगा नहीं, तो आप फलों को खाइए, जूस को अवॉइड कीजिए क्योंकि वो ज़्यादा मीठापन आपके बॉडी में लाता है। रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं तो उसकी संख्या बढ़ा देते हैं, काफ ज़्यादा खाते हैं, काफ ज़्यादा खाइएगा, और रात के समय हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, दिन भर हम लोग खाना कम खाते हैं, रात के समय हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उस वक्त जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो उस वक्त कोई एक्टिविटी हम करते नहीं, सो जाते हैं, तो वही वो जो एनर्जी रिलीज करता है उसका कोई काम नहीं, उसको यूटिलाइज कर नहीं पाता बॉडी, तो वो आपके बॉडी में चर्बी रूमा रूप में चेंज हो जाता है। इसलिए आप सुबह का खाना, दोपहर का खाना, इवनिंग का खाना आप हमेशा हैवी रखें, रात का खाना जितना कम रखिएगा आप अपने फैट को और अपने आप को फिट रखिएगा। ये जो है जीवन शैली, ये खान पान की बात आपने किया, जीवन शैली हम किस रूप से प्रभावित करते हैं? जीवन शैली देखिए, एक आम आदमी जो अनफिट है जी, आप उससे एक्सपेक्ट कीजिएगा कि भाग दौड़ की जिंदगी में कोई काम करने के लिए, तो वो कर नहीं पाएगा और थक जाएगा। आप उसको फील्ड वर्क दीजिएगा, वो नहीं कर पाएगा। उससे कोई सजेशन लीजिएगा तो नेगेटिव ही बात बोलेगा, गाड़ी चला रहा है कोई अगर ब्रेक मार दिया तो वो उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, नेगेटिव बात ही बोलेगा। एक फिट बंदा क्या होता है, जो अंदर से फिट है, उससे आप सजेशन लीजिए, उससे कोई काम करने बोलिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से डिसिप्लिन तरीके से काम करता है। एक फिट आदमी डिसिप्लिन होता है, खाने के प्रति डिसिप्लिन उसका नज़रिया हो जाता है और वो चाहता है कि मेरे आसपास के जितने लोग हैं वो भी फिट रहें ताकि अपने लाइफस्टाइल को और फिटनेस से इन्वॉल्व रहें। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि कामकाजी लोगों के बारे में, तो आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि खासकर युवाओं में भागदौड़ की जिंदगी हो गई है, लोग अपने कैरियर के पीछे भाग रहे हैं, अपने बिजनेस को लेकर भाग रहे हैं, मतलब विभिन्न माध्यमों या विभिन्न चीज़ों के लिए भागदौड़ की जिंदगी हो गई, उनके पास समय की बहुत कमी है, तो इस दौरान वो अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रख पाते, तो ऐसे इसके लिए क्या उपाय है, वो कैसे रख सकते हैं? देखिए, हम लोग जो यहाँ पे पटना में जैसे मेरी कंपनी है केन फिटनेस, लेकिन मैं एसोसिएटेड हूँ एक जिम से, न्यूट्रेंट जिम से, तो हम लोग जो वहाँ पे सेशन चलाते हैं तो हम लोग के वहाँ जो लोगों से इंटरेक्ट होती है, जो लोग वहाँ आते हैं, हाउस वाइफ तो आते ही हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा आते हैं जो वर्किंग में इन्वॉल्व है, चाहे वो उसमें फीमेल भी है मेल भी है,
तो लोग क्या होता है, उनके पास टाइम नहीं है। आजकल तो करियर बनाने के चक्कर में सारे लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, एकदम घोड़े की रेस चल रही है। लेकिन उसके बाद भी उस चीज़ को फिट रहने के लिए, आपको एक फिट बॉडी पाने के लिए आप लोग हमारे पास आते हैं। तो हम लोगों ने कुछ स्पेशल कस्टम मेड एक्सरसाइज तैयार की है। आपको बहुत ज़्यादा देर टाइम नहीं लगाना पड़ता है। आप अगर 45 मिनट एक घंटा भी हमें टाइम देते हैं तो हमारे पास ऐसी शेड्यूलिंग एक्सरसाइज है, टेलर मेड कस्टम मेड एक्सरसाइज है, इंडिविजुअल को लेके ग्रुप को लेके, कि हम लोग वो करा के उनको फिट करते हैं। क्योंकि उनको वो जो 45 मिनट है वो बंदा अपने ऊपर लगाता है, बाकी का जो 24 घंटा में आप 23 घंटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप परिवार के लिए सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो एक घंटा जिम जाके या कहीं पार्क में एक्सरसाइज करके वो आप अपने लिए करते हैं, जो कि आपको आगे का भविष्य आपको और फिट बनाता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है, मैं कुछ छात्रों से मिला जी, पटना में ही मैंने मिला, तो मैंने देखा कि वो जो तैयारी करते हैं छात्र पटना में रह के, वो दिन भर उनका तो एकदम सिर्फ सामान्य सा खाना हो जाता है, डिनर करके जो बोलते हैं दाल भात चोखा, बस एकदम साधारण सा खाना, क्योंकि उन्हें पढ़ाई के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो उस स्थिति में उसको बनाते हैं और खाते हैं और बस बैठ के पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से वो अनफिट होते जा रहे हैं। तो उसके लिए भी ये कारगर हो सकता है। देखिए होता है क्या कि स्टूडेंट लोग आते हैं गाँव से, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए पटना पढ़ने आते हैं, पटना में उनको खुद खाना बनाना पड़ता है जी। तो कोचिंग का क्लासेस बहुत टाइमिंग उल्टा पुल्टा होता है, किसी का सुबह में है शाम को है, घर जाता है तो खाना बनाने का कोशिश करता है, तो खाना इतना थका रहता है कि बच्चा बना नहीं पाता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, ये लोग जंक फूड बाहर से ले आते हैं, या तो मैगी परचेज, इजी फूड जो होता है मैगी पास्ता या मोमो जो भी मिला, समोसा ले लिया, होटल से चार रोटी ले लिए खा लिए। तो देखिए जो बाहर के खाने हैं वो बाहर के ही खाने रहते हैं, वो आपके आपको स्वस्थ नहीं करेगा। लेकिन जो जो लड़के लोग इस चीज़ से जानते हैं कि इससे हम अनफिट हो जाएंगे और मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो बाहर नहीं जाके घर में ही खाना बना के अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश कर सकते हैं। प्लस वो लोग यहाँ जो भी बाहर से लड़के लोग पढ़ने आते हैं, तो ज़्यादातर लोग तो डिफेंस की तैयारी करते हैं, चाहे बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि गांधी मैदान या कोई भी मैदान जहाँ अगल बगल मिले उसका एक चक्कर लगा ले, तो फिटनेस में तो उनका भी खराबी नहीं होती, डाइट गड़बड़ हो जाती है। पटना में हिंदू इलाके में रहने वाले लोगों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला है, विभिन्न मैटर पर बात करने गया था, ऐसा मैंने देखा था। हमारे साथ हम दर्शक जुड़ चुके हैं, एंडलिप अख्तर पूछ रही हैं, सबसे पहले स्वागत है एंडलिप जी आपका, हाउ कैन वी फिट ड्यूरिंग द फास्ट? देखिए एक्चुअली होता है क्या है कि नवरात्र का सीजन है, हर तरह का हर धर्म के लोगों में इन्वॉल्व होती है, चाहे वो मुस्लिम में हो चाहे हिंदुओं में हो, फास्ट एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल है जो कि दोनों हर कास्ट में होती है, हर धर्मों में होती है। तो आप क्या करते हैं, देखिए जैसे अब नवरात्र 9 दिन है, 9 दिन में कुछ लोगों की फास्टिंग की क्राइटेरिया अलग अलग है। कुछ लोग हैं कि एक गिलास दूध पी के दिन भर में पी के चलाते हैं, कुछ लोग हैं कि फल खा के एक टाइम चलाते हैं, कुछ लोग हैं दिन भर में 2 टाइम या 3 टाइम फल खाते हैं। इस दौरान उनको फिट रहने के लिए क्या करना है कि जिम जो अगर जा रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज का टाइम को आप कम कर दीजिए। अच्छा, एक्सरसाइज का टाइम को आप कम कर दीजिए, क्योंकि जो पर डे कैलोरी आपको चाहिए वो कैलोरी आप फास्टिंग के दौरान देते नहीं है। ये तो हो गया उन लोगों का जो कि आप नॉर्मल जो नवरात्र में चल रहे हैं। अब जैसे किसी अदर कास्ट में आप जाते हैं जी, जैसे इनका क्या नाम होता है, एंडलिप अख्तर हैं, ये अगर समझिए रोजा कर रहे हैं तो रोजा में क्या होता है कि दिन भर इनको पानी नहीं मिलती है जी। पानी नहीं मिलता है तो पानी कैलोरी लेस होता है, उसमें कुछ मिलाइएगा तभी वो कैलोरी रिलीज करता है, उसमें ना कोई कैलोरी ना प्रोटीन ना फाइबर कुछ होता नहीं, एकदम फ्री कुछ नहीं होता है। तो आप रात के समय आप खाना खाते हैं, तो नॉर्मली मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे यहाँ ट्रेन होने आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस दौरान एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनका रेशियो एक्सरसाइज का कम होता है। क्योंकि अगर आप उस दौरान एक्सरसाइज नहीं करते हैं और डाइट आपका, क्योंकि एक टाइम तो आप रात को ज़्यादा खाना खाते हैं, एक टाइम खाते हैं, तो उस खाना का यूटिलाइज आपको कैलोरी तो आप पूरा लोड ले लेते हैं रात के खाने में, अगर आपने खाना ज़्यादा ले लिया तो दिन भर के कैलोरी को आप मैचअप कर लेते हैं। तो मॉर्निंग में अगर आप या इवनिंग में कभी एक्सरसाइज करते हैं तो टाइमिंग कम कर लें, आप इजीली अपने आप को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कोशिश करें कि डाइट रात को जो आप ले रहे हैं वो डाइट में कार्ब्स प्रोटीन और कैलोरी का एक समागमन होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होना चाहिए। जैसा कि राजेश जी देखते हैं कि खैर अभी नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, नवरात्रि और रोजे को लेकर चर्चा कर रहे थे कि इस दौरान फिट कैसे रखा जा सकता है। नवरात्रि में खान पान को लेकर बहुत सारा संयम रखना पड़ता है, लोग बहुत चीज़ नहीं खा पाते हैं, और जबकि लोगों के मन में ये चलता रहता है कि जो मांसाहार
करने वाले होते हैं वो ज्यादा मतलब एक्सरसाइज के लिए ज्यादा उचित है, उपयुक्त है, कितनी इसमें सच्चाई है? देखिए एक्चुअली होता क्या है, आजकल जिमिंग एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी हो गई है, बिजनेस ये कैश काउ का बिजनेस है। अच्छा। जो लोग जिम खोलते हैं उनको एक बिजनेस रहता है कि नहीं मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बताऊं ताकि जल्दी से उसको रिजल्ट दे दूं कस्टमर को। क्लाइंट को जल्दी रिजल्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हम लोग क्या सारे लोग ही दिमाग लगाते हैं कि अगर आप शाकाहारी नहीं है तो आप में मसल का इम्प्रूवमेंट कम रहेगा, मांसाहारी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रहेगा, ऐसा सब माइथ है, इससे सब कोई मतलब नहीं है। शाकाहारी बहुत सारे प्रोफेशनल एथलीट हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे फिटनेस रिलेटेड लोग हैं जो कि शाकाहारी लेकिन अपने फिट रहते हैं। मांसाहारी में क्या होता है कि इजी है, टेस्ट को फ्लेवर ज़्यादा करता है जी। और आदमी को अपनी भूख को अपनी जीभ को ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, आत्मा को संतुष्टि। शाकाहारी में सेम अमाउंट ऑफ आपको कैलोरी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, अगर उसको आप लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप मांसाहारी लोग ही ज़्यादा फिट हो सकते हैं। और ये एक तरह का मिथ है कि देखिए आप रेड मीट खाने के लिए हम लोग मना करते हैं लोगों को, आप रेड मीट मत खाइए, लेकिन क्या है लोगों का आदत बन गया। बहुत जन तो एग को बोलते हैं कि वो मांसाहारी में नहीं लेते हैं, वेजिटेरियन लोग बोलते हैं कि इसको हम सब्जी में लेते हैं, तो ये एक अपना द्वंद युद्ध है कि वेजिटेरियन सब्जी में है कि मांस में, ये इसके बीच में हम लोग पढ़ने नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो मांसाहारी लोग हैं वही मसल ज़्यादा डेवलप करेंगे, नॉन मांसाहारी लोग भी अपने मसल को, प्रोटीन की बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रोकली है, मशरूम है, पनीर है, राजमा है, क्वेना है, सोयाबीन की बीज है, मसूर दाल है, बहुत सारी चीज़ें जो प्रोटीन बहुत मात्रा में रहता है, आप उससे अपने मसल ब्लॉक को आप डेवलप कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक एक साथ जुड़ चुके हैं, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। श्वेता सिन्हा जी पूछ रहे हैं, श्वेता जी आपका स्वागत है। वो पूछ रहे हैं आई एम अनेबल टू गो जिम, प्लीज प्रोवाइड टिप्स टू स्टे फिट एट होम। देखिए पहला श्वेता जी मेरे साथ समस्या है कि मैं अगर किसी क्लाइंट के बारे में नहीं जानता हूँ तो मैं बता नहीं पाता हूँ। आप कृपया अगर आप ये बताती कि आप मैरिड हैं और आपका एज क्या है तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर मैरिड हो देखिए अगर आप मैरिड हैं तो और आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो हम लोग नॉर्मली कुछ एक्सरसाइज डेवलप किए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंसैनिटी वर्कआउट, टबाटा वर्कआउट। ये 4 से 5 मिनट का वर्कआउट है जो कि आप घर के ड्राइंग रूम या बरांडा में या आप अपने बेडरूम में 3x4 के जगह में आप कर सकते हैं। आप स्किपिंग कर सकती हैं, पुशअप लगा सकती हैं, क्रंचेज लगा सकती हैं, या आप एक पैर दोनों पैर पे एक ही जगह पे दौड़ सकती हैं। ऐसे 4 एक्सरसाइज आप ले लें और हर एक्सरसाइज को आप 20 सेकंड करें, हर 4 एक्सरसाइज लेने के बाद 20 सेकंड एक्सरसाइज करें, 10 सेकंड रेस्ट करें। ऐसे 4 मिनट की अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिट रह सकते हैं। आप चार कोई भी एक्सरसाइज ले लें, आपको जो पसंद है। अगर आप डंबल से एक्सरसाइज नहीं कर, डंबल नहीं खरीद आपके पास नहीं है तो आप 1-1 लीटर का 2 बॉटल बराबर शेप का आप ले लें, उसको लेके आप शोल्डर प्रेस कर सकते हैं, बाइसेप कर्ल कर सकते हैं, आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको 4 एक्सरसाइज डिजाइन करें, आप डिसाइड करें, क्योंकि आपके घर पे आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं आप ज़्यादा समझ पाइएगा, मैं नहीं समझ देख पा रहा हूँ। आपको 4 एक्सरसाइज 4 मिनट करें, आप देखिएगा आपका फिटनेस स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा जी। तो जैसा कि राजेश जी अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसा श्वेता जी के सवाल से आपके मन में यह आया कि वो किस उम्र की हैं, ये शायद श्वेता जी खुद बता पाएंगी, लेकिन हम लोग अगर बात करें तो क्या इसमें महिलाओं की भी उम्र का मतलब एक ये होता है एक्सरसाइज करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले एक नॉर्मली एक हम लोग की एक धारणा बना रखे थे हम लोगों ने कि महिलाएं जिम या एक्सरसाइज करना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है जी। तो ये एक भ्रांति है जिसको अब आज के युग मतलब मॉडर्न एरा में हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। छोटी बच्चियां भी आजकल बहुत हेल्दी हो गई हैं, नर्सरी में पढ़ रही हैं बच्चियां, खान पान के वजह से वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई है। यंग एज के भी होते हैं, ओल्ड एज के भी होते हैं। आप बच्चे को आप 6 साल के बच्चे से स्टार्ट करके आप 80 साल की वृद्ध महिलाओं तक के सारे एज ग्रुप को हम लोग टारगेट करते हैं। सबका एक्सरसाइज हर कैटेगरी में डिफरेंट कैटेगरी का होता है, सारे को एक ही साथ हम एक्सरसाइज नहीं करा सकते क्योंकि सबका बॉडी टाइप, सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो उसी अकॉर्डिंगली हम एक्सरसाइज दी जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे ऋषिकांत प्रकाश सवाल कर रहे हैं। ऋषिकांत जी सबसे पहले आपका स्वागत है और वो पूछ रहे हैं व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू वार्म यू अप बिफोर प्लेइंग स्पोर्ट्स। फिर से दोहराइए जी, क्षमा चाहेंगे, वो प्रश्न उनका दरअसल पुराना हो गया था। मैं फिर से उस प्रश्न को
कर दूं, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू वार्म अप बिफोर प्लेइंग स्पोर्ट्स? हाँ, देखिए पहले दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट समझने के लिए कि वार्म अप और स्ट्रेचिंग दो एक अलग चीज होती है। वार्म अप हम लोग इसलिए करते हैं ताकि मसल और जॉइंट हमारा वार्म हो जाए, ताकि जब हम परफॉर्म करें एक्सरसाइज तो हमारी इंजरी कम हो। तो नॉर्मली और स्ट्रेचिंग एक डिफरेंट चीज है, इसमें आप मसल को स्ट्रेच करते हैं एक्सरसाइज के बाद में या ड्यूरिंग इंटर एक्सरसाइज भी हम मसल को स्ट्रेच करते हैं ताकि मसल रिलैक्स हो जाए, फटीग नहीं हो, उसमें इंजरी नहीं है। तो किसी भी एक्सरसाइज करने के पहले हल्का वार्म अप करें। आप बॉडी के 7 to 8 मेन जॉइंट्स हैं, उसको क्लॉक और एंटी क्लॉक आप रोटेट करें 10 से 12 बार, ताकि वो वहाँ के जो सेंसर जो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने लगता है। जब वहाँ ब्लड ज़्यादा पंप करने लगता है उसके बाद जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो एक्सरसाइज में आपका इंजरी नहीं होती है, प्लस वो मसल बहुत ज़्यादा ही टारगेट होता है और पिन पॉइंट एरिया पे ही आप अचीव करते हैं। उम्मीद करते हैं ऋषिकांत जी आपको आपके सवाल का जवाब राजेश जी ने दिया होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। आफरीन नाज भी कुछ पूछ रहे हैं। आफरीन जी आपका स्वागत है। वो कह रहे हैं 30 रोजे के बाद जल्द रिकवर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने रोजे पर भी चर्चा किया था, तो एक बार आफरीन जी के सवाल। देखिए होता क्या है जी, नॉर्मली रोजा एक ऐसी बहुत कष्टदायक फास्टिंग होती है, दिन भर बिना पानी का रहना, रात को फिर भोजन करना। तो 30 दिन में क्या होता है, आप जितना भी अच्छा डाइट ले लें, बॉडी का आदमी का बॉडी वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, वजन गिर जाता है, मसल मास गिर जाती है, और वो रोजे का जो असर होता है वो पूरे बॉडी पे आपको नजर आता है जी। तो आप उसका रिकवरी के लिए आपको एटलीस्ट 10 से 15 दिन लगता है। अच्छा। क्योंकि इस दौरान दिन भर में जो आप पानी नहीं पी रहे हैं, कुछ नहीं जा रहा, तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो एकदम डाउन रहता है। रात के समय हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, दिन भर हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है। तो अब जब आप उसके बाद 30 दिन के बाद आपके अंदर में जब नमक जाने लगता है जी, पानी जाने लगता है, उस टाइम में दिन सुबह से लेकर शाम तक का एरिया जो कि आप पहले उपवास में रहते थे, फास्टिंग में रहते थे, तो उस दौरान बॉडी ना बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंज आता है बॉडी में, आपको टायर्डनेस फील होगा क्योंकि खाना जा रहा है, बॉडी स्लो हो जाएगा। लेकिन ये 1 वीक या 15 डेज आपकी डाइटिंग कैसी है, आप कैसे खाना को इलेबोरेट कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आप रीबिल्ड करने के लिए बॉडी में डाल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन 10 से 15 दिन या 1 वीक में आदमी लोग रिकवर कर जाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी एथलीट आते हैं, जितने भी लोग आते हैं जो रोजा करते हैं, तो हार्डली वो लोग रोजा के दौरान भी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन 3-4 दिन या 30 दिन के बाद वो लोग 2-4 दिन का गैप लेते हैं और बैक टू स्टेशन आ जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा अपने पुराने सवाल पर चलें, तो बात कर रहे थे कि जो मसल्स बिल्ड करते हैं लोग या जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन पाउडर या विभिन्न तरह के ऐसे मेडिसिन का उपयोग करते हैं और जिसके माध्यम से उन्हें लगता है कि वो तेजी से ग्रो मतलब फिट रह सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, उनका जो मसल्स बन सकता है, ये कितने फायदेमंद है सर मतलब स्वास्थ्य के लिए? प्रोटीन पाउडर वे प्रोटीन हम लोगों ने दुनिया में आया क्यों, क्योंकि जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग बहुत सारा डाइट लिख देते हैं, आप ये खाइए वो खाइए ये खाइए वो खाइए, तो होता क्या कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं मिलता है। जैसे एक हम लोग पर किलो पे एक प्रोटीन का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट रखे हैं 0.50, 1 ग्राम, और अगर मसल बहुत बिल्ड करना है तो 1.5 से 2 ग्राम का पर किलो पे आप इंटेक करते हैं पर डे। तो अगर आप 60 किलो के हैं और 1 ग्राम ले रहे हैं तो 120 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना है। तो 120 ग्राम प्रोटीन बहुत ईजी नहीं है कि आप अंडे चिकन या मशरूम या पनीर या बहुत सारी चीज़ों से या दाल से ले सकते हैं। तो बहुत सारा चीज़ खाने के बाद भी आप शॉर्ट रहते हैं, 30-40 ग्राम आप शॉर्ट रहते हैं। तो होता क्या है कि एक बार में बहुत दिक्कत होता है, तो चबाना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो लोग बस टाइम नहीं इतना है, वर्किंग लाइफ है। तो पाउडर में कन्वर्ट किया गया, इस सारे खाने में क्या पाउडर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जब पाउडर में होता है, पाउडर आपने स्कूप डाला, इसको सेक किया, उसको आप ले लिया, तो आपने 25 से 30 ग्राम प्रोटीन एक साथ में आपने अपने बॉडी में डाल दिया। पहला तो इस कारण से प्रोटीन मार्केट में बहुत ज़्यादा ही डेवलप किया गया, अब तो ये फैशन हो गया, ट्रेंड हो गया, बिना शेकर बिना प्रोटीन के स्टेटस सिंबल नहीं होता है। लेकिन इसके हैजर्ड भी है, आप वे प्रोटीन रेगुलर ले रहे हैं और आपकी बॉडी में वो जा रही है तो वो बॉडी में बहुत हैजर्ड भी करता है। इंडिया में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो वे प्रोटीन की कंपनी, जितने भी पाउडर्स जो प्रोटीन पाउडर्स बन रही है, BCA चाहे ग्लूटामाइन चाहे क्रिएटिन बन रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है।
ये बनती है और यहाँ पे आती है और किस तरह से स्टैंडर्ड है उनका कोई जानते नहीं। और हर बॉडी टाइप के लोग एक ही तरह की चीज़ों को नहीं खा सकते, हर आदमी के बॉडी में अलग अलग चीज़ों की कमियाँ होती है जो कि हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते। एक ही चीज़ खाएंगे वो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम लाती है। कुछ लोगों को वे प्रोटीन खाने से उनकी लिवर फैटी हो जाती है, किन्हीं का हेयर फॉल होता है, एक्ने आता है, किसी को वो सूट करती किसी को वो सूट नहीं करता है, कि एक ब्रांड किसी को वही सूट करेगा दूसरे बंदे को वो सूट नहीं करेगा। तो हम लोग तो और स्टेरॉयड के बारे में बात, स्टेरॉयड तो हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं। ये मसल इन्हेंस करने की जितने भी दवाएं हैं इसको हम कभी रिकमेंड नहीं करते, हम लोग इसको इससे हमेशा दूर रहते हैं। हम लोग नेचुरल फूड और जितना हो सके नेचुरल, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है और वी शुड स्टिक विद द प्लान। हमको लाइफ को इंजॉय करना है, ना कि अपने लाइफ को टॉर्चर करना है स्टेरॉयड लेके। उसके बाद बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस पर बहुत बड़ा सेशन हो सकता है, ये अभी टाइम नहीं है इतना डिस्क्राइब करने के लिए। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है स्टेरॉयड, इन सबसे दूर रहा कीजिए। ये मसल छोटा सा सवाल इससे संबंधित आ रहा है जी, कि लोग तेजी से वजन घटाने या तेजी से वजन बढ़ाने के लिए भी इस तरह के प्रयोग करते हैं, हाँ। जो मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, हाँ। वो कितना फायदेमंद है या देखिए हार्मफुल है? आज के डेट में लोग फैट बर्नर बहुत फैशन चल गया है जी। हेल्दी लोग एक्सरसाइज करना एक्सरसाइज करते हैं और चाहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा तुरंत फैट बर्नर का, तुरंत वजन मिले जी। तो होता क्या है ना कि आप कोई, जैसे अभी आप आईएएस की पढ़ाई करने जाएं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, तो उनमें कोर्स में एक सिस्टम होता है क्रैश कोर्स जी। मतलब कुछ दिन में या कुछ घंटों का कोर्सेज होता है, उसको पूरा साल भर का निचोड़ देता है। तो ये क्रैश कोर्स होते हैं, कुछ आजकल फैशन चला हुआ कीटो डाइट, फूड डाइट, ऐसी बहुत सारी फास्टिंग डाइट, बहुत सारी वाटर डाइट। इससे क्या होता है, कुछ दिन में आपको बहुत रेडिकल चेंज दिखता है। आप कुछ पिल्स खा देते हैं फैट बर्नर के, आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब तक आप वो खाते हैं वो आप रहता है, जब आप छोड़ते हैं 3 गुना स्पीड से बढ़ती है। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, नमक खाना बंद कर देते हैं, बॉडी में नमक नहीं जाएगा, पानी का समावेश मसल में होगा नहीं, पानी छोड़ देगा बॉडी, तो वजन आपको कम लगने लगेगा। लेकिन जब आप नमक वापस खाना लगेंगे, जैसे आपका नॉर्मल डाइट आपका जाने लगेगा, तो जो स्पीड से आपने लूज किया उसके 3 गुना स्पीड से आप वापस गेन कर लेंगे। तो प्लीज, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है फिटनेस का और कोई रातों रात बदलाव नहीं आता है, इसमें टाइम लगता है। इसको एंजॉय कीजिए फिटनेस को और वो आपको डिलीवर करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं राजेश जी बता रहे हैं कि फिट होने के कोई रामबाण उपाय नहीं है तत्कालिक, जो शॉर्टकट के माध्यम से आप उसको कर सके, इसके लिए आपको एक निश्चित समय देना पड़ेगा और सही दिशा में किया गया कार्य ही आपको सही ढंग से फिट रख सकता है। जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे दर्शक लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, हालांकि हम अपने टॉपिक पे वापस आ गए थे, क्षमा चाहेंगे। संदीप दे पूछ रहे हैं, फॉर फिजिकली फिटनेस डू आई नीड टू टेक डाइटरी सप्लीमेंट्स? डाइटरी सप्लीमेंट बेसिकली होता है कि फूड से रिलेटेड है जी। आपके डाइटरी फूड्स हो गया, आपके दूध उत्पादन की चीज़ों से आप ले सकते हैं, आप सरल से लेग्यूम से ले सकते हैं, दाल है आपके लिए अच्छा, आपके लिए दूध की बहुत सारी सप्लीमेंट्स है जो आप खा सकते हैं। आप पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर का इस्तेमाल आप तब करें जब आप दूध का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, या दूध ले रहे हैं तो पनीर को इस्तेमाल नहीं करें, दोनों का आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डाइटरी सप्लीमेंट में आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप खाली डाइट, अगर आपको गेन करना है, आप पतले हैं आप गेन करना चाहते हैं, तो आप बहुत सारी दाल हैं, बहुत सारी जैसे पालक का साग है, रेगुलर खाने की चीज़ें, प्रोटीन अच्छा सोर्स है पालक का साग, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो पथरी को इनवाइट कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डाइटरी सप्लीमेंट जो को आप ऐड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना इजी तरीके से अपने लाइफस्टाइल में इसको डालते हैं, और डाइटरी सप्लीमेंट में वही चीज़ को इन्वॉल्व करें जिसको आप लंबा दिन चला पाए। 10 दिन के लिए चला रहे हैं, 2 महीने के लिए चला रहे हैं, तो वो रिजल्ट देगा, फिर बाद में आपको वही वापस ले जाएगा। तो पनीर है, दूध है, दाल है, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, नॉनवेज आइटम्स हैं, आपके ब्रोकली है, आपके पास राजमा है, आपके पास चिक पीस है, छोला का बड़ा बड़ा छोला होता है, चना है, मूंग है, बहुत सारी चीज़ें, रामदाना है, उसको आप यूज़ करेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ों को आप यूटिलाइज करें, दिन भर में यूज़ करें, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसी से संबंधित अगला सवाल आ रहा है, प्रज्वल देव कुमार जी पूछ रहे हैं, सबसे पहले स्वागत है प्रज्वल जी आपका, और ये पूछ रहे हैं सर, सजेस्ट गुड डाइट फॉर वर्किंग यंग मैन। तो हालांकि आपने कभी चर्चा किया लेकिन एक बार फिर से हेलो प्रज्वल जी, ऐसा है कि एक यंग आदमी डिपेंड करता है कि उसकी डेली की कैलोरी बर्न और उसका क्या कंजम्पशन है, BMR नॉर्मली कितना उनका है, कितना वो कैलोरी बर्न कर रहे हैं, खाना क्या है,
तो ये बिना बैठ के बात किए संभव नहीं, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी एक लाइनअप मैं आपको बता रहा हूँ। आप हेल्दी डाइट में ब्रेकफास्ट आप किंग साइज कीजिए, जिसमें आप अच्छा समावेश कीजिए प्रोटीन का और फाइबर हो, हल्का कार्ब्स लीजिए। फिर दोपहर के टाइम में जो खाना खाएं आप चावल थोड़ा लें, दाल लें, दही लें, सलाद खाएं, नॉनवेज कुछ भी एक आइटम आप रख सकते हैं, नहीं भी रखें कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी रखें, ज़्यादा तेल और घी का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। उसके बाद जब शाम के समय 4 बजे आप भूंजा खा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, और भूख लगता है तो आप सेब या खीरा खा सकते हैं। कोई एक मल्टी वाइटामिन आप पर डे खाएं, कोई भी एक ब्रांड की एक मल्टी वाइटामिन पर डे एक नाश्ते के समय खाएं। उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी में खाने से आप नहीं ले पाते हैं, तो वो सब चीज़ वो फुलफिल कर देती है। तो और वो कोई भी मल्टी वाइटामिन खा रहे हैं तो 1.5 से 2 महीना चलें, उसके बाद उसको आप बंद कर दें, रेगुलर उसको हैबिट में नहीं डालें। 1 महीना खाएं 2 महीना खाएं, उसके बाद फिर उसको छोड़ दें। जब आपको लगे कि वो फुलफिल हो गया छोड़ दें, फिर 2-2.5 महीना बाद जब वो आपको लगे नहीं तो फिर वापस, लेकिन कंटिन्यू उसको हैबिट नहीं बनाए मल्टी वाइटामिन का। रात के समय खाने में आप दूध का इस्तेमाल करें, दूध अगर नहीं पीते हैं तो कोई जूस का इस्तेमाल करें, एक हल्की रोटी लें, अच्छा पीनट, घर में पीनट बटर, आप घर की पीनट बटर बनाएं। पीनट बटर बनाने का प्रोसेस आप ऑनलाइन जा सकते हैं, बहुत लोगों से जान सकते हैं। आप एक अच्छा समावेश रखें, फल का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियां खाएं, चावल खाएं, चावल अगर आपको खाना चाहिए तो ब्राउन राइस खाएं और बेटर है। और आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी में आप कोशिश करें कि आप रोटी में आप बीट बीट का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, सब सब गोल का भूसी को आप मिला सकते हैं, आपका पेट साफ रखेगा। आप मकई का भी इंड्यूस, खाली गेहूं का आटा को इस्तेमाल ना करें, चीज़ों को बदले। आप सुबह में ओट्स, मसाला ओट्स भी खा सकते हैं, आप मीठा ओट्स अगर खा रहे हैं तो मसाला ओट्स में कन्वर्ट करें, उसमें सब्जियां डालें। आप अपने अकॉर्डिंगली आप कैसे उसको चला सकते हैं, खाना मैंने आपको बता दिया, आप उस अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ स्टाइल को डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारे साथ जो आप राजेश जी जुड़े हैं, जो केन फिटनेस इंडिया के ऑनर हैं, और वो हमारे साथ बात कर रहे हैं फिट कैसे रहें। आपने देखा होगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी हम फिट इंडिया फिट नामक कैंपेन भी चलाया था, जिसमें सब लोग अपना फिटनेस का दे रहे थे, अपना जो नमूना पेश कर रहे थे कि कैसे हम फिट रहते हैं। तो आप भी फिट रह सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है कैसे हम फिट रहें, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजेश जी के साथ। राजेश जी के माध्यम से आप डायरेक्ट अपना सवाल भी पूछ सकते हैं फिटनेस को लेकर। तो राजेश जी, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे दर्शक हमसे कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि एक और दर्शक हैं राजेश अहिर, वो पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी इट आफ्टर रनिंग। देखिए जी, अगर आप मॉर्निंग में दौड़ रहे हैं जी, तो हमारे कुछ मित्रों में ये भ्रांति है कि खाली पेट दौड़ें जी, ये गलती मत करें। अच्छा। सुबह उठे कभी भी दौड़ने जाएं जी, तो आप हल्का सा कुछ भी खाए, आधा सेब खाए या 2 अखरोट खा ले या 4 आलमंड्स खा ले, कुछ नहीं मिला 13 के बिस्किट खा ले, वो भी नहीं मिला तो आधा ग्लास सत्तू आप पी ले, नींबू डाल के, लहसुन काट के उसमें डाल के, आप सत्तू में डाल के आप वो पी सकते हैं। फिर उसके आधे घंटे बाद आप जो दौड़ने जा रहे हैं, खाली पेट ना दौड़े। खाली पेट दौड़ने से क्या होता है कि आपका स्टेमिना रहता नहीं है, और जो आपको परफॉर्म करना पड़ता है दौरान आप दौड़ नहीं पाते, क्योंकि आप किसी कोच के अंडर में है नहीं, आप ऐसे ही दौड़ रहे तो आपको आइडिया नहीं होता है कि आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। दौड़ने के बाद जैसे आप घर जाते हैं, आपने बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न किया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जाके तुरंत कार्ब्स लोड कार्बोहाइड्रेट डाल ले। आप प्रोटीन और फाइबर और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, आप प्रोटीन आप या तो अगर आप नॉन वेज हैं तो आप 4 से 6 एग व्हाइट खा सकते हैं, पीनट बटर ब्राउन ब्रेड में लगा के खा सकते हैं, उसके साथ अगर आप ये दोनों खा सकते हैं, इसके अपार्ट अगर आप नहीं खा सकते पनीर पे जाएं, पनीर डाब का पानी, वो नहीं हुआ तो आप सत्तू को यूज कर सकते हैं, सत्तू भी नहीं है तो 4 रोटी या 2 रोटी ले लें, उस पर आप पीनट बटर लगा लें, कोई हरी सब्जी अगर आपके घर में ताज़ा अवेलेबल है बनी हुई है, तेल कम डाल के उसको रोल करें, रोटी को रोल कर लें, पीनट बटर बना के आप आराम से रोल बना के आप उसको खा सकते हैं, क्योंकि दौड़ने के बाद तुरंत आपका डाइट अच्छी मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो आपका बॉडी वीक हो जाता है। उसके बाद अगर आप कोई काम करने जाते हैं तो आप हमेशा थके हुए महसूस कीजिएगा, तो डाइट आप अच्छा रखिए। महिलाओं को व्यायाम से क्या लाभ मिल सकता है? देखिए महिलाओं के मन में ये सवाल आते हैं, महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए ऐसा है कि फीमेल का लाइफ सबसे ज्यादा, आप इंडिया में देखिएगा कि हम लोग महिला महिला बहुत सारी बातें करते हैं,
महिला देवी है, महिला माँ है, ये है वो है, लेकिन हम लोग सब उल्टा करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई काम करने वाले लोग हैं, जो इंडिया में बहुत बड़ा वर्कफोर्स है, वो एक फीमेल का है, जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करते। हम चाहते हैं महिला घर में रहे, खाना बना ये करे। हम तो ऑफिस में जाते हैं तो एक दिन छुट्टी ले लेते हैं, और घर जाने के बाद हम बिस्तर पे बैठे रहते हैं, मेल चाहते हैं सारा बिस्तर पे आ जाए, लेकिन फीमेल कभी छुट्टी नहीं लेती है। उनका फिजिकल स्टैंडर्ड अगर गिर जाता है, तो एक बात याद रखिए, घर की औरतें अगर बीमार होती है तो घर का सारा एटमोसफियर गड़बड़ हो जाता है। हर एज की महिलाओं को एक्सरसाइज जरूरी है, उनको डाइट जरूरी है। और हम बिहारियों में खास करके समस्या क्या है महिलाओं में, सुबह उठो, सबको खिलाओ पिलाओ, ऑफिस भेजो, और 12 बजते बजते तक नहाओ, फिर पूजा करो भगवान का, उसके बाद कुछ अन्न डालो। तो जो 12 और 2 के बीच का जो खाना हो रहा है, उस दौरान आपका शरीर जो है, आपके शरीर में बचा हुआ चीज है, उससे अपना एनर्जी लेता है, जो कि आपके शरीर का क्षय होता है, आपका नुकसान होता है। तो खान पान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्योंकि अगर आप घर की हाउसवाइफ है तो घर में बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो बॉडी मूवमेंट हो रही है। और अगर आप वर्किंग लेडी है, तो वर्किंग लेडी के लिए टाइम निकल के वर्क एक्सरसाइज करें, और डाइट में बैलेंस डाइट रखें, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, मिनरल्स सारी कुछ प्रॉपरली जाए। इस अकॉर्डिंगली आप किसी ट्रेंड प्रोफेशनल से ले सकती हैं, या आजकल बहुत सारी ऑनलाइन आपको मिलती है, गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेती है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप डाइट मेंटेन कर सकती हैं। फीमेल को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है हमारे देश में, क्योंकि उन पे ही हमारा घर टिका रहता है। हम लोग अर्न करते हैं, और अगर फीमेल भी अर्न कर रही है, अगर वर्किंग लेडी है, तो उसको तो डबल मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उसको दोनों मैनेज करना पड़ता है। राजेश जी, रिहैबिलिटेशन की बात होती है, हम लोग एक्सरसाइज के महत्व की चर्चा करते हैं जी, तो इस स्थिति में रिहैबिलिटेशन में एक्सरसाइज कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, रिहैबिलिटेशन होता है क्या कि जब आप या ऑपरेशन कराते हैं जी, या किसी इंजरी हो जाता है, उसके बाद जब रिकवरी स्टेज होता है, रिकवरी स्टेज में होता है, जैसे आपने नी का रिप्लेसमेंट कराया है, या एक्सीडेंट हो गया है, हड्डी टूट गई है, पैर का टीबिया फीबिया, फीमर का हड्डी टूट गया, या बोन डिसलोकेट हो गया, कमर का ऑपरेशन हुआ है, या सर्जरी बैलियाटिक ऑपरेशन आजकल फैशन चला हुआ है, जो बहुत मोटे लोग हैं अपना बैलियाटिक ऑपरेशन कराते हैं, आंत का पेट का ऑपरेशन करा के छोटा कर देते हैं, ताकि कम खाएंगे तो मोटापा कम होगा, बहुत सारी तरह की ऑपरेशन कराते हैं, चोट लग जाती है, तो रिहैब में हम काम करते हैं। रिहैब में क्या होता है, जिसका नी का इंजरी हुआ, ऑपरेशन हुआ, ACL का ऑपरेशन या लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ, पैठला टूट गई है नी का, तो उसका हम रिहैब की एक्सरसाइज कराते हैं। वो उसमें आप फिजियोथेरेपी प्लस एक्सरसाइज दोनों इंपॉर्टेंट होता है। फिजियो और एक्सरसाइज में दोनों में बहुत ज़्यादा कुछ मिली हुई चीज़ें हैं, एक तरह से देखा है दोनों भाई बहन ही हैं, अलग नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज फिजियो कुछ दिन चलता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर के देखरेख में होता है, लेकिन एक्सरसाइज जो वो बताते हैं उसको आप रेगुलर कर पाते हैं। तो एक्सरसाइज रिहैबिलिटेशन में आप जैसे अब किसी का सर्जरी हो गया है, कमर का, पीठ का, लंबर का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोलता है कि आप मूवमेंट करते रहिए, नहीं तो वो जगह फ्रोजन हो जाएगा, उसको ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। तो ऐसे लोग जिम में आते हैं, ऐसे लोग फिजियो करवाते हैं, कि उससे उनका रिकवरी रेट बढ़ा रहे। ऑपरेशन करा के आप वैसे ही बैठे रहिएगा, उसमें मूवमेंट नहीं होगा, तो वो रिकवरी रेट उतना होता नहीं। और डिप्रेशन होता है कि जैसे मान लीजिए पैर में कोई इंजर्ड हो गया, इंजरी हो गई, और जिसकी वजह से वो क्या होता है कि बेड पे होते हैं, और उनका बाहरी इसके चलिए ठीक है, मान लीजिए पैर में कोई परेशानी हुई तो पैर तो मतलब लाचार हो गया, ठीक है, लेकिन उससे ऊपर का जो भाग है वो भी स्थिर हो जाता है, जिसकी वजह से अनफिट हो जाते हैं। तो उसका कोई उपाय है क्या? देखिए, होता क्या है, इंजरी होने के बाद आप जैसे आप बहुत जन को देखिएगा सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, चालक जी का ध्यान दिए, मोबाइल आजकल सेल्फी का जमाना है, फोन लेकर सेल्फी लेने के चक्कर में पैर मुड़ गया, गिर गए, चोट लग गया, फिर आप 4-5 दिन बेड पे चले जाते हैं, पैर एंकल मुड़ गया, एंकल मुड़ गया, तो उस दौरान क्या करते हैं, एंकल का तो आप क्रैप बैंडेज लगा लेते हैं जी, लेकिन क्रैप बैंडेज लगाने के बाद ठंडा गर्म सेक लगाना है, जो भी ऑइंटमेंट जिस तरह का इंजरी है, वो इंजरी का ग्रेडिंग हमको मालूम नहीं है। अगर आपका इंजरी हमको मालूम है, तो उस अकॉर्डिंगली मैं भी एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि वो अगर मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जब वो पेन बढ़ता है तो आदमी के अंदर में मेल या फीमेल उसके अंदर में एक एग्रेशन बढ़ जाता है कि अरे यार मेरा भी ठीक चल रहा था, अचानक मैं बेड पे आ गया, और रिकवरी नहीं होने की वजह से उसके पूरा मनोस्थिति गड़बड़ा जाता है, मेटाबॉलिज्म अटैक करता है, आपका जो मनोस्थिति है वो थोड़ा डिरेल हो जाता है। तो आप इंजरी को जितना जल्दी रिकवरी करें, रिकवरी करने से क्या होता है कि आप बहुत जल्दी अपने नॉर्मल लाइफ में आप आ जाते हैं, और नहीं तो रिकवरी नहीं कर पाते तो मुश्किल है। इसलिए आजकल ज़्यादातर पटना के हॉस्पिटल के बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी के बाद आप एक्सरसाइज कीजिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, जिनका लंबर का ऑपरेशन हुआ है, जिनका एल्बो शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, जिनके स्पाइन की ऑपरेशन हुई है,
अभी हम लोग काफ़ी लोगों पे काम कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट पे काम कर रहे हैं जिनका फुट फ्लैट है, पैर एकदम फ्लैट है, वो आर्मी का सिलेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें एक आर्च है उनके फुट में, उसके लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। हम लोग मोटे लोगों को पतले कर रहे हैं, पतले लोगों को हेल्दी कर रहे हैं, ओवरऑल मिला के है कि आप रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज इन सबको देखिएगा तो दोनों ही एक इम्प्रूवमेंट का असर दिखाता है। धन्यवाद राजेश जी, बहुत ही कीमती समय आपने दिया। इस नवरात्रि के दौरान फिट कैसे रहें या हम आम दिनों में भी कैसे फिट रहें, इस मैटर पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये थे हमारे साथ मौजूद केन फिटनेस इंडिया के ऑनर राजेश कुमार, और ये हमें बता रहे थे कि फिट कैसे रहा जा सकता है। तो आप भी धूमधाम से त्यौहार मनाएं और फिट रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विज़िट करें। शुक्रिया।